हेलो दोस्तों, वेलकम। मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल सलमान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वीवो Z1 प्रो के अपडेट के बारे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि वीवो Z1 प्रो में अपडेट आ चुका है, तो उसमें दोस्तों जैसे कि अपडेट में डार्क मोड का ऑप्शन में मिलता है, तो उसमें कुछ चेंज मिला। जैसे कि एप्लीकेशन को, थर्ड क्वालिटी एप्लीकेशन को डार्क में कर सकते हैं दोस्तों, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना, सेटिंग पे जाना। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा सिस्टम अपडेट, तो सिस्टम अपडेट पे क्लिक कर देना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि सिस्टम अपडेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, तो यहाँ से आप फ़ोन में अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया है तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं आया तो एक दो दिन वेट कर लीजिए, अपडेट मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं अपडेट कर लिया हूँ, तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ से अपडेट मैं कर लिया हूँ, तो अपडेट यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, वगैरह वगैरह चेंज इसमें मिल चुका है दोस्तों। जैसे कि सिस्टम अपडेट, बैटरी का, कैमरे के भी चेंजिंग मिला है दोस्तों पहले से, और इम्प्रूव किया गया है इसमें। अब सिस्टम अपडेट बेटर, पहले से और बेटर किया गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ इसमें डार्क मोड। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम डार्क मोड पे क्लिक करते हैं, कुछ यहाँ से अपना डार्क मोड को ऑन कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ थर्ड क्वालिटी एप्लीकेशन। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं व्हाट्सएप पर क्लिक करता हूँ, तो व्हाट्सएप देखिए दोस्तों डार्क में हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डार्क में हो चुका है व्हाट्सएप। तो बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे फेसबुक भी डार्क में हो चुका है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे फेसबुक भी डार्क में हो चुका है। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम हो गया, तो इंस्टाग्राम की भी बात करते हैं, तो आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम भी डार्क में हो चुका है, तो देख लीजिए दोस्तों, इंस्टाग्राम भी डार्क में हो चुका है कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं, जैसे कि मैं और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि पिक्सल आर्ट है मेरे मोबाइल में, तो दिखा देता हूँ पिक्सल आर्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी डार्क मोड हो चुका है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डार्क मोड हो चुका है। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कुछ और, जैसे मेरे फ़ोन में फेस ब्यूटी है, तो इसको भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फेस ब्यूटी भी डार्क में हो चुका है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको। तो चलिए दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे शॉर्टकट में भी अपने फ़ोन में डार्क को ऑन और ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग में जाके। तो हमको सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले पर फिर से जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखे दोस्तों, जैसे डार्क मोड में मैं जाता हूँ, यहाँ से अपना डार्क मोड को बंद कर सकते हैं और यहाँ से ऑन करके रखना है। तो अगर जैसे आपके फ़ोन में डे में डार्क मोड हट जाए और नाइट में डार्क में हो जाए, तो इस तरह से ऑन करके रख सकते हैं, 8 बजे आपका फ़ोन में डार्क में हो जाएगा और सुबह 7 बजे डार्क से हट जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और इसमें हम आपको बता देते हैं, जैसे कि इसमें अपडेट के बाद सभी में इम्प्रूव किया गया, जैसे कि आपके देख लीजिए गेम अल्ट्रा मोड में इसमें भी इम्प्रूव किया गया दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इसका फिंगर पहले से फास्ट हो चुका है अपडेट के बाद दोस्तों। और मैं दिखा देता हूँ इसमें, जैसे इसमें आपके फ़ोन में ग्लोवर सर्च है, ग्लोवर सर्च में भी कुछ ऐसा चेंजिंग मिल चुका है दोस्तों। जैसे कि देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी ग्लोवर सर्च के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ग्लोवर सर्च यहाँ से होता है, आप कुछ भी सर्च करते हैं तो ग्लोवर सर्च यहाँ से होता है, ग्लोवर सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसमें कुछ और जैसे एप्लीकेशन होता है, ऐसे अपडेट करके कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन इसमें मिला है, जैसे कि दिखाता हूँ यहाँ पे vivo.com। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ पे इसमें लेटेस्ट वर्जन मिला है मेरे फ़ोन में। यहाँ पे अपने फ़ोन का वारंटी कार्ड चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरा दिख ही रहा होगा, चेक करके
यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और एंट्री कार्ड यहाँ पे देखिए लेटेस्ट वर्जन मिलता है, जैसे कि इसको आपको अपडेट करना तो यहाँ से जाना सेटिंग पे, तो यहाँ से भी अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं इसको। तो मैं तो अपडेट कर लिया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आई हो का अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।